पढ़ाई लिखाई एनडीए का एक बेहद जरूरी हिस्सा है और यहाँ आर्ट्स, साइंस और सर्विस से जुड़ी ट्रेनिंग के लिए खास इमारतें बनाई गई हैं। अपनी शुरुआत के बाद से यहाँ पढ़ाए जाने वाले विषयों के करिकुलम में काफी बदलाव आ चुका है। अब एकेडमी से पास आउट के वक्त यहाँ के कैडेट्स के पास साइंस और आर्ट्स की ग्रेजुएट डिग्री होती है। एनडीए में कैडेट्स को कई दूसरे देशों की भाषाओं को सीखने का मौका भी मिलता है। लगातार बदलते भौगोलिक और राजनीतिक हालात की वजह से अरबिक भाषा काफी लोकप्रिय हो गई है। यहाँ विदेशी भाषाओं की अहमियत है क्योंकि आजकल हम दूसरे देशों की फौजों के साथ बातचीत कर रहे हैं, हम उनके साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहे हैं और हम अपने देश के प्रतिनिधि बनकर भी जाते हैं, तो अगर हमें उनकी भाषा बोलनी आती हो तो हमारा काम काफी हद तक आसान हो जाता है। यहाँ एनडीए में विदेशी भाषाएं जैसे कि चाइनीज, अरबिक और फ्रेंच सिखाई जाती हैं। मैप रीडिंग शेड, दोपहर 3:33। एनडीए में हर चीज को बस क्लासरूम में नहीं सीखा जा सकता, ज्यादातर ट्रेनिंग खुली जगहों में की जाती है। आज यहाँ झुलसा देने वाली गर्मी है और छठे टर्म के आर्मी कैडेट जयवीर सिंह चौहान और इनके साथी पहाड़ी पर बने एक शेड के नीचे जमा हुए हैं। इनके इंस्ट्रक्टर इन्हें जंग और उससे जुड़ी ट्रेनिंग के बारे में गहराई से समझा रहे हैं। यहाँ सीखी गई तकनीकों को बहुत सारे प्रैक्टिकल सेशंस में इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कैडेट्स को मिलिट्री के पैतरों में माहिर बनाया जा सके। लोगों के दिमाग में फौजी अफसरों को लेकर एक तस्वीर बनी हुई है कि उन्हें बस शारीरिक मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हमें लोगों का नेतृत्व करना पड़ता है और ऐसा करने के लिए जरूरी है कि हमें खुद बहुत जानकारी हो। बहुत सारी फौजी टैक्टिक्स होती हैं जैसे कि हथियार चलाना और जंग लड़ना, जिन्हें हमें पहले थियोरी में सीखना पड़ता है और फिर प्रैक्टिकल करना पड़ता है। मिलिट्री फोर्सेज में नए सिद्धांत की शुरुआत हुई है जिसे कहते हैं स्कॉलर वॉरियर, मतलब एक योद्धा होने के साथ एक स्कॉलर भी होना चाहिए। तो ये हर खूबी को निखारने जैसा है। अपने छठे और आखिरी टर्म में कैडेट्स को उनके चुने गए विषयों के बारे में पढ़ाया जाता है। किसी को कुछ पूछना है? वेक्टर डेटा फॉर्म में एक लाइन किस तरह समझाई जा सकती है? सिर्फ रास्टर के जरिए नहीं बल्कि वेक्टर के जरिए भी हम डिजिटल फॉर्मेट की जानकारी को समझा सकते हैं। उसके लिए हमें करना ये इस वक्त यहाँ छठे टर्म के आर्मी कैडेट्स की मिलिट्री वॉरफेयर पर एक क्लास चल रही है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से पहले थ्योरी क्लासेस ली जाती हैं और ये कैडेट्स के सीखने की प्रक्रिया का एक बेहद अहम हिस्सा होती हैं। ज्यादा रोशनी की वजह से जो अंधापन आता है वो चिंता की बात नहीं है। यहाँ बीएससी डिग्री के अलावा हमें पढ़ाया जाता है मिलिट्री के फाउंडेशन कोर्सेज के बारे में। बहुत सी चीजें सिखाई जाती हैं जैसे सर्विस राइटिंग, फौज के तौर तरीके, सीनियर से कैसे बात करनी है। इसके अलावा पांचवे और छठे टर्म में हमें सर्विस सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि मैं एक एयरफोर्स कैडेट हूँ तो हम एरोडायनामिक्स, मेट्रोलॉजी, एवियोनिक्स और नेविगेशन की पढ़ाई करते हैं। एनडीए को चलाने वाली ताकत का नाम है प्रेरणा। कैडेट्स अपने साथियों और सीनियर्स से प्रेरणा लेकर ही क्लास और मैदान में होने वाले कड़े इम्तिहान को पार कर पाते हैं। ब्रावो स्क्वाड्रन के इन कैडेट्स को एंटी रूम पहुंचने का हुक्म दिया गया है जहां इनके अब तक के कामकाज पर बातचीत की जाएगी और इन्हें अपनी स्क्वाड्रन के लिए और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अपने जूनियर्स को सब कुछ सिखाने और उन्हें हर तरह से तैयार करने की जिम्मेदारी सीनियर्स अपने हाथों में ले लेते हैं और स्क्वाड्रन के जोश को बरकरार रखते हैं। ब्रावो, 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 ब्रावो,